हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एम टी आर। ये है बजाज पल्सर RS 200 डुअल चैनल ABS का वाइट कलर। इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कंपनी को इसमें क्या क्या अपडेट देने चाहिए डिमांड के अनुसार, और इसकी टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज कितना देती है। कीमत की बात करें तो मथुरा यूपी में ये बाइक आपको मिलती है 202,554 की ऑन रोड, और रोल्टा बजाज कोलकाता में ये बाइक आपको मिलती है 209,800 रुपये की ऑन रोड। सबसे पहले आप फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड का ग्लास मिल जाता है। वाइजर के दोनों तरफ आपको एडजस्टेबल मिरर मिलते हैं, जैसे कि आपको R15 जैसी बाइक में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नंबर प्लेट लगेगी। बाकी ऊपर में आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश, यहाँ भी आपको ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है। ड्यूअल टोन कलर मिलता है। ऊपर में आपको आईब्रो टाइप की LED DRL का सेटअप मिलता है। बाकी हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है। तो कंपनी को इसमें अपडेट के साथ LED प्रोजेक्टर को देना चाहिए। साइड में आपको LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। बाकी इसका जो प्रोफाइल है वो दूर से देखने में काफ़ी ज़्यादा लुभावना लगता है। बाकी बॉडी प्रोफाइल की बात करें तो ये जो बाइक है एक फुली फेयरिंग बाइक है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देती है। फेयरिंग के नीचे में 200 का ग्राफिक्स मिलता है, जैसा कि 200cc की बाइक है। यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर टच का मटेरियल थोड़ा सा मिल जाता है। बाकी ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। 300mm की डिस्क मिल जाती है, जिसमें आपको वाइब्रे के कैलिपर मिलते हैं। 180/17 का मिलता है आपको ट्यूबलेस टायर, और 17 इंच का ब्लैक कलर का एलोबिल देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो 200cc में ये एक जो बाइक ऐसी है जो आपको काफ़ी ख़तरनाक लुक प्रोवाइड करती है। इस बाइक की जो साइड फेयरिंग है वो यहाँ पर आपको काफ़ी एरोडायनामिक देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इसमें कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर मटेरियल का यूज किया है। यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन कलर मिलता है, थोड़ी सी मैट फिनिशिंग मिल जाती है। टोटल प्लास्टिक बॉडी मिलती है। यहाँ पर आपको मिलता है टैंक पैड, जो कि रबड़ की ग्रिप में दिया गया है। ऊपर की तरफ चलते हैं तो पल्सर का 3D में लोगो मिलता है। ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा आपको प्लास्टिक बॉडी का मिलता है। साइड की जो फेयरिंग है वो भी आपको प्लास्टिक बॉडी की मिल जाती है, जो कि बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड करा देता हूँ। तो आपको इसके एग्जॉस्ट का साउंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस बाइक में आपको मिलती है क्लिप ऑन वार टाइप की हैंडल बार। तो देखा जाए तो इसमें कोई भी कमी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। एडजस्टेबल यहाँ पर आपको सस्पेंशन का सेटअप, स्विचेस यहाँ पर आपको वही पुराने वाले मिल जाते हैं, जिनमें अभी तक कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है। बाकी सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, यही कंसोल आपको मिलता है NS 200 में। तो कंपनी को इसमें डिजिटल मीटर कंसोल देना चाहिए आज की डिमांड के अनुसार। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंडिकेशन की वार्निंग की लाइट मिल जाती है। यहाँ पर आपको RPM मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और ओडोमीटर, ट्रिम मीटर मिल जाता है। बाकी इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और DTE जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। बाकी इस बाइक के जो मिरर हैं वो यहाँ पर आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं और एडजस्टेबल भी मिल जाते हैं। अगर हम बात करें इसके सीट कंफर्ट की तो इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती हैं। RS 200 की वेजिंग मिलती है, जिसमें ड्यूअल टोन कलर को शामिल किया है। पीछे वाली पिलियन की जो सीट है वो थोड़ी सी ऊंची मिलती है, और नीचे वाली जो राइडर वाली सीट है वो थोड़ी सी कम हाइट पर मिलती है, जिसमें 810mm की सीट हाइट मिलती है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जाली मिलेगी। बाकी एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिंगल होल मिलता है। बाकी टोटल यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी का मफलर गार्ड का यूज किया गया। यहाँ पर आपको मिलता है मड फ्लैप, और यहाँ पर आपको मिलता है बड़ा सा टायर हगर। अगर हम पीछे वाले सस्पेंशन की बात करें तो नाइट्रोक्स मोनोसॉक्स एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर टाइप का एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। पीछे में 230mm की डिस्क मिल जाती है, जिसके पीछे में आपको ABS मिल जाता है। बाकी पीछे वाले व्हील को एडजस्टमेंट करने के लिए आपको व्हील एडजस्टर भी मिलता है। 130/17/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जो कि इसके टायर की मोटाई है पल्सर N160 N250 के मुकाबले सेम मिलता है। इस बाइक में आपको मिलती है स्प्लिट LED टेल लाइट का सेटअप, और इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको LED वाले देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो टेल लाइट का लुक है वो थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, जिसको कंपनी को थोड़ा इसमें अपडेट देना चाहिए। बाकी इंटरनल यहाँ पर आपको मिलते हैं ग्रैब रेल। इस बाइक का कर्व वेट है 166 kg।
बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये है इसका चेसिस जो कि काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी में दिया है। यहाँ पर आपको ब्रेक पैड 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, DTSI ट्रिपल स्पार्क की वेजिंग मिलती है क्योंकि इसके हेड के तीन तरफ आपको तीन स्पार्क प्लग मिलते हैं, इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसमें दिया है 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve DTSI ट्रिपल स्पार्क प्लग FI इंजन जो 24.5 PS की पावर देता है 9,750 RPM पर और 18.7 Nm का टॉर्क पैदा करता है 8,000 RPM पर। इस बाइक में आपको मिलती है 145 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास टॉप स्पीड और इसमें आपको मिलता है 32 से 35 का माइलेज 1 लीटर पेट्रोल में। तो अभी हम चलते हैं इस बाइक के दूसरे साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड और यहाँ पर आपको ओपन चेनसेट कवर मिलता है प्लास्टिक बॉडी के साथ, एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं एल्यूमिनियम के, यहाँ भी आपको जाली जैसा साइड बॉडी पैनल मिलता है। बाकी यहाँ पर भी आपको RS 200 की बैजिंग स्टिकर के साथ, बजाज की बैजिंग और इसमें आपको मिलता है 6-speed गियर बॉक्स। अगर हम N250 की बात करें तो उसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, 5 गियर मिलते हैं, 2 valve वाला इंजन मिलता है जबकि इस बाइक में आपको 4 valve वाला इंजन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप बजाज की कोई भी बाइक खरीदना चाहते हैं या फिर आप इसी बाइक को लेना चाहते हैं तो आप उपाध्याय बजाज शोरूम नवादा NS2 हाईवे मथुरा शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस शोरूम पर आपको बजाज की सारी बाइक मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप भी अपनी सिटी की किसी भी बाइक की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो सिटी का नाम और बाइक के मॉडल का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।